कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा करो ना। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल एक फ्रस्ट्रेटेड, निराश और हताश व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपराधी जिसको पता हो कि वो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, उसकी चोरी रिश्वतखोरी पकड़ी गई है, जिस प्रकार का व्यवहार ऐसा कोई अपराधी करता है, ऐसा व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और कल की जो उनकी भाषा थी वो ये बताती है कि उनका कुछ ना कुछ तो मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। और मैं उन्हें ये व्यक्तिगत सलाह देना चाहता हूं कि कुछ दिनों में तिहाड़ के डॉक्टर आपका अच्छा इलाज करेंगे, लेकिन उससे पहले भी जब तक आप बाहर हैं किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। और जो कोरोना मैनेजमेंट के बारे में आपने कल बोला, मैं ये कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, IIT से पास आउट बोलते हैं, आपने क्या किया कोरोना के दौरान, आप विदेशी कंपनियों की वैक्सीन की दलाली कर रहे थे, आप और मनीष सिसोदिया रोज पी फाइजर ले आओ इसके लिए रोज झूठ बोलते थे, ऑक्सीजन खत्म हो गई, रोज झूठ बोलते थे, बच्चे मरने वाले हैं, भूल गई है क्या दिल्ली। जब आप ये दलाली कर रहे थे विदेशी कंपनियों की वैक्सीन की, तब भारत के प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित कर रहे थे कि देश में बनी वैक्सीन भारत में हर व्यक्ति तक पहुंचे और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाकर दिखाया। जब आप लोगों को दिल्ली सरकार की बसों में बैठा कर आनंद विहार के बॉर्डर पे छोड़ के आ रहे थे, तब प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित कर रहे थे कि करोड़ों लोगों के घर में मुफ्त राशन पहुंचे और कोई भी भूखा ना सोए। कोरोना मैनेजमेंट आपने कोरोना के दौरान, आपने और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शराब के ठेके खोलने का काम किया है, शर्म आनी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कोरोना मैनेजमेंट के बारे में बोलने लायक नहीं है आप, इसीलिए ये अभद्र भाषा बोलना बंद कीजिए, जेल जाने की तैयारी कीजिए और जितने दिन बचे हैं उतने दिन दिल्ली का कुछ काम करके दिखाइए। ये मेरी आपको सलाह।